कोमल माने एमव्हीटीव्ही किचनच्या अन्नपूर्णा या कार्यक्रमात आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण सेक्टर 8 मध्ये हेमंगी ताई यांच्या घरी आलेलो आहोत. तर चला तर पाहूया ते आपल्याला आज कोणत्या नवीन रेसिपी दाखवणार आहे. हेमंगी ताई, तुमचे एमव्हीटीव्ही किचनच्या अन्नपूर्णा या कार्यक्रमात स्वागत आहे. तर आज तुम्ही आपल्या प्रेक्षकांना कोणती नवी रेसिपी दाखवणार आहात? आज हम शीर बटाटा पुरी वो चाट है तो हम चाट बनाएंगे. तो उसके लिए हमें चाहिए 10 से 15 शीर बटाटा पुरी की पूरी. उसमें पहले हम चटनी बनाएंगे. तो चटनी के लिए हमें सामग्री चाहिए 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कटा हुआ धनिया, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अदरक. और थोड़ा सा नींबू. अब हम ये सबको ग्राइंड करेंगे मिक्सर में. तो हमारी हरी चटनी हो जाएगी तैयार. तरह हमने सब सामग्री डाल के हरी चटनी बनाई है. फिर हम बनाएंगे मीठा चटनी. उसके लिए हमें चाहिए खजूर, थोड़े से खजूर, पाव से आधा किलो. उसको हम बॉईल करेंगे. बॉईल करके उसकी सीड्स निकालेंगे. उसमें चाहिए हमें थोड़ा गुड़, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला. फिर हम उसे ग्राइंड कर देंगे. तो इससे हो जाएगी हमारी मीठा चटनी. इस तरह से हमारी मीठी चटनी तैयार है. जब हम मीठा चटनी बनाते हैं तब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है मिक्सर में ग्राइंड करने के. अब हमें सेव बटाटा पूरी की टॉपिंग करनी है. उसके लिए हमें सामग्री चाहिए 2 से 3 बॉइल्ड और स्मैश किए हुए आलू, 1 प्याज कटा हुआ, 1 टमाटर कटा हुआ, बीटरूट ग्रेट किया हुआ, कैरेट ग्रेट किया हुआ बारीक शेप, मसाला चना दाल और कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया. चला तर वळूया आजच्या आपल्या कृतीकडे. तर हेमंगी ताई, आता आपण सर्वप्रथम काय करणार आहोत? अभी हम शेव बटाटा पुरी की टॉपिंग्स करेंगे. तो उसके लिए हमें चाहिए 10 से 15 पुरी. उसमें हम डालेंगे पहले हरी चटनी. अब हम डालेंगे उसमें मीठा चटनी जो हमने बनाया है. तर ताई, तुमच्या आवडीनिवडी काय काय? तुम्हाला कशात इंटरेस्ट आहे अजून? जेवण खाना बनाने मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, घूमना पसंद है. अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बॉईल किए हुए आलू, स्मैश किए हुए. तो हम इसमें थोड़े से आलू डालेंगे. तो तुम्हें जॉब करता का हाउसवाइफ? नहीं, मैं जॉब करती हूँ. मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ. मैं टीचर हूँ, मतलब प्ले स्कूल में पढ़ाती हूँ और सेंटर हेड हूँ. जैसे हमने आलू डाल दिया है, अब हम बारीक 1 से 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे. अब हम बारीक प्याज डालेंगे. अब हम इसमें थोड़ी चना दाल डालेंगे. इससे हमारा स्वाद और भी अच्छा होगा, इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए हमने यहाँ ग्रेट किए हुए कैरेट रखे हैं. तो वो हम थोड़ा डालेंगे. और थोड़ा सा बीटरूट डालेंगे. कलर के लिए देखो कितना अच्छा कलर दिख रहा है. और ऊपर उसको सजाने के लिए हम थोड़ी सी शेव डालेंगे. पर बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे थोड़ा सा. इस तरह से आप हमारी शी बटाटा पूरी तैयार है.
तर मैत्रिणींनो आपण पुन्हा एकदा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तो